हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में फिजिक्स का क्या रोल है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि हम उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे का रेड बटन दबाकर, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। बेल आइकन मीन्स घंटी, तो इसको जरूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो देखने के लिए आप मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए, चाहे मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मतलब एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पहले सबसे पहले YouTube पर जाएंगे और YouTube पर जाकर सर्च करेंगे हमारे इस चैनल को और क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे चैनल खुल जाएगा। ये देखिए, इसका हेलोग्राम है और फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस चैनल पर। ये देखिए, आपने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखिए सारे वीडियोस हमारे चले आएंगे। और पूरा वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, देखिए सारे वीडियोस चले आएंगे। अब आप कोई भी वीडियो जाकर आसानी से देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें, रेलवे से रिलेटेड हो, यूपीएससी से, किसी भी। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा लोड मोर का ऑप्शन है, तो इस लोड मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो और दूसरे वीडियो चले आएंगे। ये देखिए, हेल्थ पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, कोई भी वीडियो आपका यहाँ आसानी से मिल जाए, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कैट से एमबीए का हो, कोई भी। फिर लोड मोर पर क्लिक कर देंगे तो फिर ढेर सारे दूसरे वीडियोस चले आएंगे। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको और भी दूसरी चीज़ें मिल सकती हैं, ढेर सारे वीडियो का कलेक्शन मिल जाएगा। देखिए, जैसे ये मेमोरी से रिलेटेड है तो यहाँ पर जाएंगे तो करीब 9 वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ चैनल के बारे में जानकारी कि कैसे आप कोई भी वीडियो देख लेंगे आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको फिजिक्स तगड़ा होना चाहिए। मैंने बहुत बार ये बताया आपको, और इसमें हम देखेंगे कि मतलब हमको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए फिजिक्स में। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है कि आप बहुत सारी किताबें आती है मार्केट में, तो जो आपको अच्छी लगे ले लीजिए, लेकिन कोई एक बुक को ही मास्टर किट बनाइएगा ताकि उसमें आप फॉलो कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट हो सकें। और वैसे ढेर सारी बुकें आप रख लीजिए, 3-4 बुक। अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो मतलब कि बुकों का ही सहारा रहता है, तो फिर उन 3-4 बुक, इसमें नहीं समझ में आएगा तो उसमें से देख लेंगे, लेकिन आपका मेन कोई एक ही बुक होना चाहिए जिस पर आप ज़्यादा रिलाई करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि फिजिक्स में ढेर सारे चैप्टर्स रहते हैं, जैसे एक मैग्नेट हुआ, मैग्नेट से रिलेटेड हो गया, मैकेनिज्म हो गया, आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया, तो इस तरह से फिजिक्स में ढेर सारे चैप्टर्स रहते हैं। तो ज़्यादा जो हमने बताया था कि मैकेनिक्स जो है पूरे फिजिक्स का बैकबोन है। अगर आपका मैकेनिक्स फिजिक्स में अच्छा है तो मतलब आप फिजिक्स को बहुत हद तक कंट्रोल में कर लेंगे। तो अब मैकेनिक्स में अब ढेर सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें आपका भाई रोटेशन रहता है और टार्क्यू रहते हैं, फोर्सेस रहते हैं, इक्वेशन कैसे बन रहा है, टार्क्यू इक्वेशन कैसे लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम रहता है, प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम रहता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई एंगुलर जो PCLM है, यानी प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम है, वो एक्स डायरेक्शन में आपको लगाना रहता है, लेकिन आप वाई डायरेक्शन में लगा देते हैं। यानी जो जितने सारे मोशंस हो रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कंजर्व कराना रहता है, फिर भी आप वाई डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो कभी जेड डायरेक्शन में कंजर्व करा देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार देखिए, जहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम लगाना है वहाँ लगाइए, और एंगुलर मोमेंटम में भी खास बात रखिएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन ये सब का, क्योंकि छोटी छोटी मिक्स जो मिस्टेक होती है वो थोड़ा सा दिक्कत का काम कर देती है। मोमेंट ऑफ इनर्सिया का भी ध्यान रखिएगा, और जिसको आई कहते हैं, आई जनरली हर चीज़ों के लिए अलग अलग रहती है। तो ये सब चीज़ों को अगर बारीकी से ध्यान देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। पुलिंग होता है, पुलिंग में कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती है, और इसमें सेगमेंट होता है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होता है कि ढेर सारी पुलियाज रहती हैं, तो वो प्रत्येक पुली का जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग को रिलेट कर देते हैं, मतलब इसका a है तो एक का 3a हो जाएगा, तो किसी का a/2 हो जाएगा। तो
इस तरह से अगर आपका पॉलीकंस्टेंट इक्वेशन को आप समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, मोशन की इक्वेशन भी लिख दिए, और जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि भाई आपको किसी एक पुली का एक्सेलरेशन तो पता है, दूसरे का पता ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं पता कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको कंस्टेंट इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब इतनी सारी बारीकी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अब उसी तरह हो गया, आता है आपका, अब ढेर सारी बॉडीज़ एक पर रखी हैं तो लड़के क्या होते हैं, एक्स रिएक्शन फोर्स को नहीं बना पाते हैं। वो फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे मान लीजिए इसमें 5 किताबें हैं, तो बीच वाली किताब को आपका पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो लड़के क्या करते हैं, उसी में सब इंडक्शन रिएक्शन फोर्स सब लगा देते हैं, और इससे क्या होता है कि मिस्टेक्स और इल्यूजन होता है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आप उसको एकदम सेपरेट निकाल कर बाकायदे दिखाइए कि कैसे कैसे फोर्स लग रही हैं, कितने एक्शन फोर्स है, कितने रिएक्शन फोर्स हैं, और उसके तो इस बॉडी का जो वेट है वो दिखाइए। तो ठीक इस तरह से अलग अलग सेपरेट कर बनाएंगे तो वो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। अगली बात आते हैं हम दोस्तों लाइट पर आते हैं। लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट में देखिए ज़्यादातर रूल्स होते हैं, अगर उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप पढ़ेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। और इसमें होता है कि मिरर से रिलेटेड लेंस, ये सब आपको पढ़कर क्लियर कर लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लड़के मिस आउट करते हैं, क्योंकि लाइट ऐसा सेक्टर है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो आप ज़्यादा कवर कर लेंगे। लेकिन मैकेनिक्स में तो अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक साउंड की बात करें तो साउंड में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साउंड में मैकेनिक्स का हल्का सा यूज होता है, वैसे तो मैकेनिक्स को ओवरऑल जनरली पूरा ही यूज होता है, इसलिए हमने कहा था कि ये पूरा बैकबोन इसको समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा जो फिजिक्स है उसको जो इसके जो चैप्टर्स हैं वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा लेयर बाय लेयर माइक्रोस्कोपिक ढंग से एनालिसिस करके पढ़ें, और जो आपका स्ट्रांग एरिया हो उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स पाने की कोशिश करें। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि अब यूनिट का चैप्टर पढ़ने आपने शुरू कर दिया तो 1 महीना यूनिट का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई यूनिट सरल चैप्टर है उसमें पढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बात भी और भी ध्यान रखिएगा, जो सरल चैप्टर होते हैं, जो जो वाकई में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सरल होते हैं, एग्जाम में इंट्रेंस एग्जाम में उसे इतना कठिन क्वेश्चन बना कर रख देगा कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अधिकतर यही देखा गया है, चाहे वो किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिक्स हो, मैथ्स हो, जिनके चैप्टर सरल होते हैं एग्जाम में उससे बहुत ही हाईली टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकतर ये देखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये कंपलसरी है, ये मस्ट है, ये होगा ही, ऐसा ही होगा, लेकिन 100 में से 90% यही होता है। और ये भी देखा गया कि जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्ट होते हैं उनसे केवल सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाई जो जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं वो टीचर ही होते हैं, नॉर्मल टीचर नहीं होते, थोड़ा टीचर से जो उनकी थिंकिंग रहती है थोड़ा सा स्मार्ट रहती है, लेकिन वो तो बने पहले तो कभी टीचर रहे होंगे, कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो वो भी सब टेम्परामेंट समझते हैं कि कहाँ पर स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है चीज़ों को, तो उस टेम्परामेंट को देखते हुए वो चीज़ें तैयार करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पेपर बनते हैं, क्या उसकी कंसंट्रेशन होती है, कितने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कितने टफ होते हैं, कितने मीडियम लेवल का होते हैं, कितने बिल्कुल सरल होते हैं, ये सब पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।